आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हजारों किसान नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर घेराव के लिए पहुंचे। किसानों को पुलिस ने बैरिगेटिंग लगाकर दफ्तर के बाहर रोका। नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसान नेता सुखबीर खलीफा महिलाओं और युवाओं के साथ दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। किसान नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। किसानों के 10% के प्लॉट बढ़ा हुआ मुआवजा और आबादी का पूर्ण निस्तारण की है मुख्य मांग। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने कहा, तब तक नहीं होंगी मांगे पूरी, धरना नहीं होगा खत्म, नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर लगा देंगे ताला। इससे पहले भी कई बार सुखबीर खलीफा अपने कार्यकर्ताओं के साथ नोएडा प्राधिकरण पर दे चुके हैं धरना प्रदर्शन। आज फिर सेक्टर 6 नोएडा प्राधिकरण पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हजारों किसान। आश्वासन क्या है, कितनी संख्या में आज पहुंचे हैं? इससे पहले भी आपने क्या लेकर आश्वासन के बाद उठ गए थे, क्या दोबारा फिर? जब भी उठे हैं कोई ना कोई काम करा के उठे हैं, लिखित में लिया है, बोर्ड में पास कराए हैं, 10% का मुद्दा बोर्ड में पास कराया है, आबादी निस्तारण के लिए 450 मीटर से 1000 मीटर बोर्ड में पास कराया है, 5% के प्लॉटों में गतिविधि हो कॉमर्शियल वो हमने बोर्ड में पास कराया है। तो ऐसा नहीं है, हम ऐसे उठने वाले आदमी नहीं हैं। अब हमारे सारे मामले शासन में जा चुके हैं, तो लड़ाई शासन से है। और आप आगे आने वाले समय में देखोगे कि यहाँ 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लोग आएंगे निश्चित तौर पर, कोई मन में उस तरह की बात नहीं है, कोई संशय नहीं है, और हम अपना काम कराएंगे पक्का। क्या धरना शुरू कर दिया निश्चित? धरना आज से शुरू हो गया हमारा, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या मुख्य मांगे हैं आप? हमारी वही 10% प्लॉटों की आबादी निस्तारण के लिए 450 मीटर 1000 मीटर जो बोर्ड में पास हो गया है, 10% बोर्ड में पास हो गया है, और हमारे कॉमर्शियल गतिविधि के लिए 5% प्लॉट है वो भी बोर्ड में पास हो गया है, तो वो सब कराने की हमारी जो है वो है। अब बाकी केस लगाए हुए इन्होंने वो भी हटवाएंगे, उन्हें सब सारे काम कराएंगे, और अब की बार यहाँ से बिल्कुल फाइनल हो गया, फाइनल करके जाएंगे।